हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप दोस्तों? दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फ्रॉड अलर्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये पुराने नोट्स और जो सिक्कों के नाम से जो फ्रॉड, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है आजकल, देखने में आ रहा है। बहुत सारे साइट जहाँ भी पहले सिक्कों का ऐड था, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज अपने सिक्के और नोट बेचिए। तो क्या वास्तव में बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज ये नोट और सिक्के बिक रहा है? मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया, या दूसरा वीडियो भी फिर बना रहा हूँ, और इसमें पता करेंगे कि क्या वास्तव में बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज भी बिक सकते हैं या नहीं बिकते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी इसमें वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक क्या आप, मैं फ़ोन कर रहा हूँ किसी बॉयर को, वो मेरे को एड पे यही बताया है उसने कि हम कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं ले रहे हैं आपसे। बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज आप हमारे को ये जो नोट है, ये जो सिक्के हैं, वो बेच सकते हैं। तो मेरे पास एक 2 रुपये वाला नोट है, देखिए ये नोट है, ग्लोब का चित्र इस पर, यही उस एड में दे रखा था। पता नहीं कहाँ से उसके पास भी होगा, सेम जो एड में दे रखा था वही नोट मैं लेके आया हूँ। ये जो ग्लोब वाला चिन्ह है, जो एड में दे रखा था वही नोट मैं लेके आया हूँ, और उसी से पता करूँगा कि बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज ये ख़रीद लेगा। अगर वास्तव में इसने ख़रीद लिए तो मैं वीडियो के अंत में इसके नंबर आपको दे दूँगा, और आप भी इससे बात कर लेना। और अगर फ्रॉड है तो इसको इग्नोर करना ही है। तो मैं कॉल करता हूँ इसको और पता करता हूँ क्या वास्तव में खरीदेगा। ये मैंने इसने नंबर ले लिए हैं, कॉल कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका एड देखा था मैंने कि बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज आप पुराने सिक्के और नोट खरीदते हो सर। जी जी, मैं ओल्ड कॉइंस कंपनी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, रवि कुमार बात कर रहा हूँ। रवि कुमार जी। जी सर, रवि कुमार जी, मैंने आपका एड देखा है, इसलिए मैंने कॉल किया है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज ही सिक्के और नोट खरीदते हो। आप कहाँ सर से बात कर रहे हो? सर, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, जयपुर से सर। तो सर, मैंने खूब सारे वीडियो, मैंने पहले भी खूब सारे लोगों से बातें की है, लेकिन सर सारे फ्रॉड करते हैं जो रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगते हैं, पता नहीं क्यों। एक को सर मैंने रजिस्ट्रेशन चार्ज भेज भी दिया सर। सुनिए जी, हमारी जो कंपनी है जी, वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज के जो ओल्ड कॉइन्स या पुराने नोट्स, जो भी रेयर कॉइन्स जो भी है, हाँ जी सर, खरीदती है। जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड 5 रुपए का ट्रैक्टर वाले नोट की बात है। अच्छा, उसके बाद वैष्णो देवी। नहीं सर, वो जो आपने एड में, सर आपका एड में मैंने 2 रुपए का नोट देखा था ग्लोब वाला, और वह सेम वही नोट मेरे पास है सर। 2 रुपए वाला जो जिसपे, उसी का एड देखा मैंने, कुछ निशान बंधा हुआ है। हाँ, उसी का एड देखा था, सेम वही नोट है सर, सेम वही नोट है सर। जी, तो आप मेरे पास ऐसा करिए, आपके पास नोट है? हाँ सर, अभी मेरे पास नोट है अवेलेबल। जी, उसको आप सेल करना चाहते हो? बिल्कुल सर, इसीलिए कॉल किया। तो आपने सेल करना है तो आप हमारे ये नंबर, सेम नंबर व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, इसके ऊपर नोट की पूरी फोटोज बराबर, जो भी उस पे अंक लिखे होंगे वो बराबर सेंड कीजिए हमारे पास। अच्छा, इसके ऊपर जो नंबरिंग सिस्टम आती है वो? जी, नंबरिंग सिस्टम जो है वो बराबर नंबर से सेंड कर दीजिए, जिससे क्या है हमारे जो मिंट पॉइंट है वो नंबर के हिसाब से है। अच्छा सर जी, तो उस नंबर के हिसाब से नोट की प्राइस लगती है। तो आपको मतलब फोटो सेंड कर दूं इसकी? जी हाँ, दोनों तरफ से फोटो सेंड कर दीजिए। दोनों तरफ से? दोनों तरफ से नोट के। सर अभी आप चालू रखिए, मैं चालू में खींच लेके फोटो भेज देता हूँ सर। हमारा मिंट मार के होता है ना जी, उसकी जांच करते हैं हम। सर आप कर लीजिए जांच, जो भी जांच करनी है, मैंने आपको फोटो सेंड कर दी है सर, दोनों तरफ से फोटो सेंड कर दी है जी। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ, आप होल्ड पे रखना या जी, मैं आपके पास रिटर्न कॉल करता हूँ। हाँ नहीं सर, होल्ड पे ही है फोन, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो एक मिनट आप होल्ड पे रखिए जी, तुरंत अभी चेक करता हूँ मैं। सर ये जो नंबरिंग सिस्टम आता है, इसका क्या है? आप जो फोटो आप मंगा रहे हो सर, ये ऐसा है, हमारा जो कंपनी है वो डिटेल्स आपको नहीं दे सकते। जो हमारे जो नोट खरीदने का जो नंबरिंग सिस्टम होता है, उसकी पूरी डिटेल्स गोपनीयता से रखी जाती है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर। जी, तो मेरे को क्या है, इसकी क्या प्रोसेसिंग है? ऐसा है कि अगर हम ये नंबरिंग की आपको डिटेल्स दे देंगे, तो कल को आप डायरेक्ट नोट खरीदोगे, उसको आप पेमेंट के हिसाब से, मतलब जो हमारी कंपनी का नाम, कोई दिक्कत नहीं सर, मत बताइए सर, लेकिन हमें ये नोट बेचना है, कुल मिला के ये बात है सर। और अगर ये मेरा नोट बिकेगा तो बहुत सारे लोगों आपसे कांटेक्ट करेंगे, मैं बहुत सारे लोगों को आपके नंबर से। आपका नोट यही है ना, जिसमें पीछे की यही सर, यही यही 531 लिखा हुआ है? बिल्कुल सर, 531। हाँ भैया, 531 वाला, ये वाला ये सेम यही सर, आईजी पटेल वाला सर, गवर्नर आईजी पटेल। तो सर क्या प्रोसेसिंग रहेगी बताइए मेरे को सर।
जी मैं बताता हूँ प्रोसेसिंग, मैं कंपनी के पास इसको सेंड करना चाहता हूँ, एक बार आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, आपके पास सेम नोट है और बिल्कुल इसे आप बेचना चाहते हो? बिल्कुल सेम है, सेम मैंने हाथ में ले रखा है, इसीलिए आपको सेम फोटो सेंड किए ना सर। तो इसको मैं कंपनी के पास सेंड कर रहा हूँ, तब तक आपको मैं कंपनी का डिटेल्स जो है वो से बता देता हूँ। जल्दी कर दीजिए सर, जल्दी कर दीजिए, बता दीजिए सर जी। इसमें ऐसा सिस्टम रहता है जो जी। आपको प्राइस मिलता है, हाँ जी, उसका 25% एडवांस मिलता है। बिल्कुल सर, 25% जी, जी, जिसके लिए आपको अपने अकाउंट में नॉर्मली 5,000 रुपीज रखना होता है। मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए होना जरूरी है जी। तो सर वो तो उससे क्या होगा? आधार कार्ड, अच्छा, और आपका पैन कार्ड जी, और जो बैंक डायरी का आईडी प्रूफ, जो भी बैंक डायरी का होता है, अच्छा अच्छा, वो हमारे पास सेंड करना है, और जो आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है वो हमें बताने होंगे। सर लिंक मोबाइल नंबर यही है मेरे, और जो डॉक्यूमेंट्स आप बता रहे हो को क्या क्या बताया, मैं मेरे पास सेव है, मैं सेंड कर देता हूँ आपको जी। वो सेंड कर दीजिए हमारे पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डायरी। एक मिनट सर, चलो रुकिए, चेक कर लीजिए सर, मैंने भेज दिए हैं सर आपको, आधार कार्ड भेज दिया है, मेरे फोटो भेज दी है और बैंक डायरी भी भेज दिया सर। जी जी, आपका ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए मेरे को। हाँ सर, आपको मैं कंपनी का जो डिटेल्स है ना उसकी भी जानकारी दे दूंगा। बिल्कुल सर, दे दीजिए जी। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई जी। जो आपका नोट है 2 रुपए का, हाँ जी सर, उसका प्राइस 18 लाख रुपए लगा है। अच्छा, 18 लाख रुपए मेरे को मिलेंगे उसके? जी 18 लाख रुपए मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं जी। तो सर अब कैसे, क्या प्रोसेसिंग रहेगी मेरे को, कर दीजिए इसका जो भी है। अभी आपके आपका जो नंबर है, हाँ जी, आधार कार्ड वाला, हाँ हाँ, उससे एक ओटीपी आएगा। अच्छा, वो ओटीपी हमें बताना, क्योंकि उस ओटीपी से रजिस्ट्रेशन होगा, जो आपका 25% पेमेंट है वो अभी आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगा। मतलब ओटीपी आएगा मेरे पास? जी जी, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करते हैं ना हम, इससे आधार का जो भी है लिंक, आपका पेमेंट आपके खाते में आएगा ना। 25% मतलब कितने, 6 लाख के आसपास आएगा? 6 लाख। अच्छा, 6 में से कम ही है ना, वो तो पेमेंट अभी तुरंत आएगा। अब वो ओटीपी हो सकता है आपके पास आ गया होगा, वो हमें बता दीजिए। ओटीपी आए क्या? हाँ, जो आधार पे लिंक मोबाइल नंबर है ना। हाँ 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 सर, ये ओटीपी आया है, क्या है ये, 6 डिजिट का है ना, ओटीपी फॉर जो आपका अकाउंट इज आधार लिंक है ना, वैलिड फॉर 10 मिनट के लिए ना। हाँ, 10 मिनट के लिए वैलिड है ये। हाँ सर, ये आ गया सर जी। तो ये हमारे पास सेंड कर दीजिए, बताइए। ओटीपी आपको बताना पड़ेगा जी जी जी, और मेरे खाते में 5,000 रुपए होना जरूरी है। हाँ, वो होना जरूरी है, उसी के हिसाब से वो पेमेंट। तो इसका मतलब 6 लाख रुपए 25% है ना, वो हाथों हाथ आ जाएगा जी, अभी तुरंत आ जाएगा। बाकी का पेमेंट के लिए, इसीलिए तो ये वैलिड वाला 10 मिनट का ही सिस्टम है सर। बाकी पेमेंट जी, बाकी का पेमेंट जब हमारा बंदा आपसे नोट लेने आएगा। कब आएगा सर जी? तो वो 72 घंटे के अंदर आ जाएगा, हमारे घर ही आएगा जी। आपके घर जो आधार पर एड्रेस है वहीं पे आएगा। अच्छा, मेरे जो आधार कार्ड आपको भेजा उस पे एड्रेस पे आएगा जी जी। तो सर ये मैं ओटीपी आपको बता दूं? तो सर मेरे जो खाते में 5,000 रुपए की आप ये एक शर्त रख रहे हो कि 5,000 होना जरूरी है, ओटीपी पूछ रहे हो, तो ये तो फिर सर वो आप तो वो बात कर दी सर, इससे तो रजिस्ट्रेशन ही ठीक था फिर। नहीं, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है सर, आपसे पेमेंट कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होता है, जो आपका 25% है वो तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, वो हाथों हाथ आ जाएगा जी। तो सर मेरे काम में आपको ओटीपी बताऊं, मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा तो फिर? जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कंपनी काफी दिनों से काम कर रहा है, हमने बहुत से लोगों के कॉइन्स वगैरह नोट वगैरह खरीदे। नहीं सर, खरीदे तो होंगे, लेकिन सर ओटीपी कैसे बता सकते हैं ना? ऐसा है, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में से हो सकता है 5 मिनट तो चले गए, आप जल्दी ओटीपी बताइए। तो वो उससे पेमेंट हाथों हाथ आ जाएगा, ओटीपी बताते ही ओटीपी। अच्छा, पैसा भी लग चुका है जी? हाँ, जो 25% है वो पेमेंट लग चुका है। तो मतलब ओटीपी बता दे, पैसे आ जाएंगे? हाँ, जो हमारे आ जाएंगे या मेरे खाते वाले? बताओगे तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा। नहीं सर, ओटीपी तो सर, लेकिन मेरे खाते में 5,000 रुपए नहीं है ना, ओटीपी तो आप लिख लीजिए, लो मैं बता देता हूँ आपको, खाते में 5,000 रुपए नहीं है सर। तो कितने है आपके खाते में? मेरे खाते में तो 183 रुपए है सर। 183 रुपए ये जी?
जी आप उसमें डलवा दीजिए कहीं से। नहीं ओटीपी लिख लीजिए आप, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ओटीपी लिख लीजिए लीजिए, वो भेज जैसे दीजिए पैसे। ओटीपी 5 लिखिए नंबर सर नॉर्मली सिक्स होना थ्री जरूरी है ना, तभी आएगा। मैं ओटीपी बताता रहा हूँ ना आपको, सिक्स नहीं, थ्री ओटीपी फाइव से ऐसे क्या होगा, सिक्स थ्री फाइव। ओटीपी से ऐसे कुछ नहीं होता ना, आप तो पेमेंट आप डलवाइए ओटीपी पहले अपने पूछ रहे हो अकाउंट ना में। सर, जी आप अपने अकाउंट में पेमेंट डलवाइए, पेमेंट तो कहाँ से डलाऊंगा मैं, तो आप कहाँ भेज से रहे हो ना पेमेंट, डलवाओगे मैं कहाँ से डलवाऊँ? जी, आप डलवाइए तो इसका कहीं मतलब तो से आप फ्रॉड कर रहे हो डलवाइए ना, ना, तो आप आप वापस कर दीजिए उसको। यही तो फ्रॉड कर रहे हो, मैं समझ गया आपका। नहीं कोई आप फ्रॉड नहीं 5,000 रुपये अकाउंट में बता रहे हो होना जरूरी है, और फिर ओटीपी पूछ रहे हो, इसका मतलब तो आप फ्रॉड करोगे कंफर्म 100%। है, मुझे लग रहा है आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक टाइम है ना, पास आप में नहीं, ओटीपी आप बता कर रहे दीजिए हो, हमें। आप कर रहे हो, ठीक है। ओटीपी क्या बता रहा हूँ ना, लिखिए ओटीपी बता रहा हूँ। आप पेमेंट तो डलवाइए उस खाते में, पेमेंट तो नहीं है, मैं कहाँ से डलवाऊँ? पेमेंट होता तो मैं क्यों नहीं देता यार ये? आप हमारा टाइम पास कर रहे हो, हमारे जो 6 लाख रुपए उनको डुबा दिया आपने, मेरे कहाँ से अकाउंट में डुबा भेज दिया दिया यहाँ से, आपने? यहाँ से देखे सेंड क्या करवा कभी दिया, छह आपके लाख घर में रुपए आएंगे वो। हाँ जी, जी हमने यहाँ से सेंड करवा दिया, और आप ओटीपी बताने में दिक्कत ओटीपी कर रहे बता हो, रहा हूँ ना, कहाँ नहीं बता रहा, तो ओटीपी ओटीपी से लिखिए क्या आप, होगा ना, 5,000 रुपये होंगे तभी तो आएंगे ना आपके अकाउंट में, ओटीपी लिखिए ना, आप पैसे भेजिए मेरे पास बिना ओटीपी लिखिए। बिना फोन पेमेंट के ओटीपी नहीं है। क्यों कर, देखिए दोस्तों फोन काट दिया इसने, और मेरे अकाउंट में पैसे भी थे, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में पैसे थे। मैं ओटीपी भी इसको बता रहा था, लेकिन मैंने जैसे इसको कहा कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 183 रुपये है, ये इसने मना कर दिया कि ओटीपी बाद में बताइए, मेरे को पहले अकाउंट में पैसे डलवाइए। तो इसका मतलब ये 100% 5,000 रुपये होते अगर मेरे खाते में, मैंने इसको ओटीपी बता दिए होते तो ये साफ कर देता। तो ये रजिस्ट्रेशन चार्ज 0 बता रहा था, और ओटीपी इसने पूछ लिया, शर्त रख दी कि खाते में 5,000 रुपये होना ज़रूरी है। तो इस तरीके ऐड से आप भी सावधान रहना दोस्तों। दोस्तों हमने सोचा कि वास्तव में सिक्का इस तरह से इसने खरीदेगा, लेकिन इसने ना इन्होंने क्या किया, जैसे ही हमने खूब सारे वीडियो बनाए, खूब सारे लोगों को इस तरह के जो रजिस्ट्रेशन चार्ज वाले सिस्टम से सतर्क किया, जैसे ही इन लोगों को सतर्क किया, इन लोगों ने एक नया सिस्टम बना लिया है कि 0% 0% ओटीपी रजिस्ट्रेशन चार्ज से आप सिक्के नोट्स बेच सकते हैं। ये बिल्कुल एक नया तरीका है फ्रॉड करने का, एक नया तरीका इन्होंने बनाया है, जो इस तरह के नोट्स और सिक्के बेचने खरीदने के नाम से इन्होंने बनाया है। ये नंबरिंग सिस्टम इसने बताई है, ये वाली जो ग्लोब का ये जो चित्र है, इसका इन्होंने ऐड दिया है। ऐड देखकर इन्होंने एक नया सिस्टम बना के अपने साथ फ्रॉड करने की प्लानिंग जो बनाई है, इनसे सावधान रहना। मैंने तो जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो भी मेरे नाम सारे फर्जी भेजे हैं, उस पर एडिट करके भेज दिए हैं, लेकिन आप भी ध्यान रखना, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को सेंड नहीं करें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी को सेंड नहीं करें, अपने ओटीपी आए हैं किसी को भी सेंड नहीं करने हैं। अगर अपने ओटीपी सेंड कर दिए तो ध्यान रखना, अपना अकाउंट खाली हो सकता है, अपने साथ एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इस तरीके से ये जो नया सिस्टम बना है इसके बच के रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो नया सिस्टम बनाया है इन लोगों ने, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सतर्क किया जा सके, सावधान किया जा सके। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगली एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।